नमस्कार, आप देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों का। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नैनीताल हाईवे चौड़ीकरण का काम करने वाले मजदूरों ने वेतन न मिलने से नाराज होकर काम रोक दिया है, तो वहीं यूनिट पर जमकर हंगामा भी किया है। देखिए राहुल अरोड़ा की ये रिपोर्ट। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग रामपुर से रुद्रपुर के बीच में हाईवे का चौड़ीकरण का काम पिछले कुछ समय से चल रहा है। हाईवे चौड़ीकरण का काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने प्लांट पर जमकर हंगामा काटा है और जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम न करने की बात कही है। वेतन न मिलने को लेकर एक ज्ञापन सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड को भी सौंपा है। सिविल फोर्स में अनु आरीवाल का इंचार्ज हूँ। 6 माह से हम लोगों को, सभी साथियों को वेतन नहीं मिला है। हम लोग घर गृहस्थी अपनी कैसे चलाएं, हम लोग बहुत परेशान हैं। किसी से अपना दुख बयान नहीं कर सकते। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। एक अधिकारी आए थे 3 दिन पहले, वो भाग गए। अब दूसरे को भी कुछ पता नहीं है कब चले जाएं। एक हमने सीनियर हेड थे, हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। आज मजबूरन आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। कृपया हमारी फरियाद को उजागर कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है रामपुर जनपद में। हम लोग सब परदेशी हैं। किसी टीम आपसे बात हुई है, किसी सीनियर से आपकी? बाहर सीनियर बात ही नहीं करने को तैयार नहीं है साहब। किसी ने कुछ कहा है आपसे? कुछ कोई आश्वासन नहीं, बात करने तक कोई तैयार नहीं है। कुछ पता लगा है कब तक चल रही है? कुछ नहीं बोल रहे हैं। आते हैं और भाग जाते हैं, आते हैं और उठ के भाग जाते हैं। कम से कम मुखातिब होके दो शब्द तो हम लोगों को कोई कहे। हम लोग बेहद परेशान है सारे कर्मचारी। अगर अभी नहीं सुनी जाती आपकी बात तो क्या तो हम काम नहीं करेंगे जब तक वेतन नहीं मिलेगा। तो अभी आप तो जान देने के मजबूर हैं, हमारे घर परिवार। अभी काम रोक दिया आप लोगों ने? हम लोग 6 महीने से वेतन मांग रहे हैं, वेतन नहीं दिया जा रहा है। काम हमसे ठोक के लिया जा रहा है। संडे मंडे ट्यूजडे हम काम करने को सब तैयार हैं, लेकिन हमें वेतन तो मिले। हर संडे हम लोग काम करते हैं, 18-18 घंटे हम लोग काम करते हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। 26 जनवरी को भी हमने काम किया है कंपनी। हमारी फरवरी बता दो तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना। हर एक आदमी अपना काम कर रहा है, अपना काम तो ये पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, इनकी पहुंच नहीं है वहां तक, ऊपर तक आपकी होगी, हमारी भी पहुंच नहीं है। आपको तो कुछ कहा गया होगा कि आपको सैलरी कब तक मिलेगी? प्रोजेक्ट मैनेजर तक है। हाँ, तो उन्होंने कुछ आपको बताया कब तक सैलरीज मिलेंगी सबकी? आपकी कब तक मिलेंगी? हाँ जी, फिलहाल तत्काल सैलरी अभी डिस्पर्स कर रहा है। कब तक सर आ जाएगी सैलरी? 2-3 महीना का जो फंड अवेलेबिलिटी को डिपेंड करता है ना। हमारा कंपनी तो एक ही साइड नहीं चलाता है, बहुत साइड चलता रहता है। तो सर सभी साइड्स में प्रॉब्लम आ रही है, खाली यही रामपुर साइड में दिक्कत आ रही है? नहीं, ये साइड में ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ ऐसा क्या हो गया कि सैलरीज देने में दिक्कत हो रही है? काम ही नहीं चल रहा है। तो सर कहाँ पे दिक्कत आ रही है काम चलने में? पहले तो कोविड में उसके बाद देने चाहिए, लैंड नहीं दे पा रहा था, उसी हिसाब से भी काम नहीं चल रहा है। नहीं मतलब लेबर की दिक्कत आ रही है? लेबर तो आपके पास है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? फंड्स की ऊपर से रिलीज नहीं हो रहे हैं या क्या दिक्कत है? फंड से कहाँ से रिलीज नहीं हो रहे हैं सर फंड्स? अगर काम नहीं चल रहा है, या तो आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उसका पैसा नहीं आ रहा है ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से, या क्या मतलब दिक्कत क्या है, काम क्यों नहीं चल रहा है ये? अरे भाई, दो प्रोजेक्ट दो साल से ऐसे ही बन रहा है, तो उसमें नेचुरली फंड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। और स्टाफ कंपनी स्टाफ छोड़ता नहीं है, तो इसीलिए हमारा पूरा लॉकडाउन में भी 6-8 महीना ना, पिछले 1.5 साल से ऐसे काम नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी सबको सैलरी दे रहा है, उसमें कोई हम लोगों का लैप्सेशन नहीं है। ठीक है, अभी आज का